हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक पूरा का पूरा चैप्टर, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट होता है। आपको आपके एग्जाम में नॉर्मली 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हम पास्ट पेपर्स की बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आए हुए। तो इसका मतलब हम इस चैप्टर में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज हम 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास का टारगेट यही है, आज की वीडियो का टारगेट यही है कि हम पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो अपना टॉपिक रिवाइज करने की कोशिश करें। सर, सबसे पहले तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, इसको समझने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और वो एग्जाम्पल क्या है, ये एक अंकल जी है, या कहे तो ये इन दोनों के फादर है, ये इन दोनों के फादर है। इनकी दो परियां, एक का नाम है से एग्जाम्पल सोना और एक का नाम है से एग्जाम्पल मोना। एक का नाम है सोना और एक का नाम है मोना। फादर जी का था फास्ट, फास्ट कर रखा था इन्होंने। तो ये दोनों अपनी परियों को लेकर गए पिज्जा हट में और वहां पे जाकर एक पिज्जा का ऑर्डर कर दिया, पनीर लोडेड पिज्जा। से एग्जाम्पल पनीर लोडेड पिज्जा का, दोनों ही परियों को पनीर बड़ा पसंद था तो पनीर लोडेड पिज्जा का ऑर्डर कर दिया। पिज्जा था 800 रुपए का। दोनों परियों ने पिज्जा को एंजॉय किया और लास्ट में बिल आया 800 रुपए का, जो कि फादर ने पे कर दिया। अब बात यह थी कि सर, सोना के लिए फादर ने कितना पे किया और मोना के लिए कितना पे किया? पिज्जा तो एक ही था, पिज्जा तो एक ही था, बिल एक आया 800 रुपए का। बट बात यह थी कि सोना ने कितना बेनिफिट लिया और मोना ने कितना बेनिफिट लिया। तो उसके लिए आपको सोना और मोना की एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। एक्टिविटी का मतलब यह है कि मान लेते हैं ये एक लार्ज पिज्जा था, लार्ज साइज पिज्जा था, पनीर लोडेड पिज्जा लार्ज साइज 800 रुपए का। तो इसमें 8 पीसेज होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि लार्ज पिज्जा जो होता है उसमें 8 पीसेज होते हैं। तो 800 रुपए का बिल था। अब फादर ने सोना और मोना से पूछा कि सोना आपने कितना खाया और मोना आपने कितना खाया। जो सोना थी उनको पनीर ज्यादा पसंद था, तो पता चला कि सोना ने उसमें से 5 पीसेज खाए थे और मोना ने उसमें से 3 पीसेस खाए थे। सोना ने 5 पीसेस खाए थे और मोना ने 3 पीसेस खाए थे। तो उनकी एक्टिविटी क्या थी? उनकी एक्टिविटी ये थी कि सर, एक ने 5 पीसेस कंज्यूम किए और दूसरे ने 3 पीसेस कंज्यूम करे। तो क्या अब अगर मैं जानना चाहूं कि ये जो सोना और मोना है, इनके लिए फादर ने कितना कितना पे किया, तो क्या मैं इजिली फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? सर, आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। आप सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने 800 रुपए पे किए, फादर ने 800 रुपए पे किए 8 पीसेस पिज्जा के लिए, लार्ज पिज्जा जो था उसके लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं 100 रुपए पर पीस आ रहा था, 100 रुपए पर पीस की कॉस्ट आ रही थी फादर को। अब जैसे ही आपको ये 100 रुपए की पर पीस कॉस्ट पता चली और पता चला कि सोना को पसंद था, इस वजह से सोना ने 5 पीस कंज्यूम कर लिए, 500 रुपए सोना के लिए पे किए गए हैं और 3 पीसेस जो है वो मोना के लिए पे किए गए। तो सर, इसमें हो क्या रहा था? इसमें हो यह रहा था कि आपकी जो कॉस्टिंग आई थी 800 रुपए की, उसको इन दोनों परियों ने क्या कितनी कितनी एक्टिविटी करी, कितना कितना कंज्यूम किया, उसके बेसिस पे आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए आपने एक रेट कैलकुलेट किया, इसके लिए आपने एक रेट कैलकुलेट किया और देन उस रेट को मल्टीप्लाई कर दिया जितना जितना दोनों ने कंज्यूम किया। बिल्कुल इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, कोई खर्चा जो कि डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं हो पाता, उसको हम इनडायरेक्टली जितना जितना जो जो डिपार्टमेंट यूज करता है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। से एग्जांपल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरे साल में मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट आई 1 लाख रुपए की। मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आई वो आई 1 लाख रुपए की।
दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी। हम जानना चाहते हैं कि सर दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी कितनी आई, और पता चला कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे वो टोटेलिटी में से एग्जाम्पल वो टोटेलिटी में से एग्जाम्पल 500 ऑर्डर प्लेस किए गए थे। तो इसका मतलब ये था कि 1 लाख रुपए की कॉस्ट 500 ऑर्डर के लिए थी। तो आप सबसे पहले तो एक रेट फाइंड आउट कर लेते हो कि सर इसका मतलब 200 रुपए पर ऑर्डर की कॉस्ट आ रही थी। देन पता चला कि डिपार्टमेंट ए के लिए 500 में से 300 ऑर्डर थे और 200 ऑर्डर जो थे वो थे डिपार्टमेंट बी के लिए। तो क्या आप इजिली कॉस्ट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकता हूं। 200 रुपए अगर एक ऑर्डर की कॉस्ट है तो 300 के लिए इट शुड बी 60,000 एंड हेयर इट विल बी 40,000। तो बिल्कुल सोना मोना वाला जो एग्जाम्पल था उसी के बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई कर सकते हो। सर पढ़ते हैं क्या इंट्रोडक्शन है इसका। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हमें डिपार्टमेंट्स में खर्चे बांटने होते हैं या प्रोडक्ट में खर्चे बांटने होते हैं, मैं कहता हूं ये प्रोडक्ट ए और बी है, तो अगर आपको प्रोडक्ट ए और बी में खर्चे बांटने हैं तो किस प्रोडक्ट के लिए कितनी कितनी एक्टिविटी यूज की गई है उसके बेसिस पे जब खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो दैट इज नॉन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इंट्रोडक्शन, इट इज ए मॉडर्न टेक्निक। इसको मॉडर्न टेक्निक इसलिए बोला जाता है कि आप जो ओवरहेड का चैप्टर होता है वो जब पढ़ते हो तो वो ट्रेडिशनल टेक्निक बोला जाता है। तो इट इज ए मॉडर्न टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ओवरहेड एक्सपेंसेस, क्योंकि डायरेक्ट खर्चे तो हम डायरेक्टली बांट ही सकते हैं, उनको तो वैसे भी ट्रेस किया जा सकता है। तो बांटना क्या है? बांटना है सर ओवरहेड के खर्चे टू द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में जैसे ये प्रोडक्ट ए और बी मान लो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज यूज्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट में कितनी कितनी एक्टिविटी यूज हुई है उसके अकॉर्डिंगली खर्चों को बांट दे तो सर वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहलाता है। इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स आर एनालाइज्ड इनटू एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में एनालाइज किया जाता है कि आपके जो खर्चे हैं किन किन एक्टिविटीज के लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल दिया ऑर्डर प्लेस करना, इसी तरीके से दूसरी एक्टिविटी हो सकती है मशीन को सेटअप करना, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज के लिए कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद देखना कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच एक्टिविटी इज आइडेंटिफाइड। सर कॉस्ट ड्राइवर, जैसे ट्रक को चलाने वाला ट्रक ड्राइवर कहलाता है, कार को चलाने वाला कार ड्राइवर कहलाता है, वैसे कॉस्ट को चलाने वाला फैक्टर कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है। यहां पे मेरे जो पर्सनल एग्जाम्पल था उसमें पिज्जा के जो पीसेस थे, पिज्जा के जो नंबर ऑफ पीसेस थे वो यहां पे फैक्टर था, कॉस्ट ड्राइवर था, कि जो जितना यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो खर्चा चला जाएगा। इसी तरीके से ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला मेरा जो एग्जाम्पल था इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्डर थे उस पर आपकी कॉस्ट डिपेंड कर रही थी, जो नंबर ऑफ ऑर्डर थे उस पर आपकी कॉस्ट डिपेंड कर रही थी, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ऑर्डर 500 की बजाय 600 होते, 800 होते, 1000 होते तो अकॉर्डिंगली ये कॉस्ट आपकी चेंज होती। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जिस पे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है दैट इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। हम क्या करते हैं यहां पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पे सिंपली रेट निकाल के बताया, मैंने कहा 800 रुपए के पिज्जा में 8 पीसेस थे तो 100 रुपए पर पीस। सिमिलरली यहां पे मैंने कहा 1 लाख रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट आई 500 ऑर्डर के लिए तो 200 रुपए पर ऑर्डर। तो ये जो रेट आप निकाल रहे थे दैट रेट इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर रेट, ऑन द बेसिस ऑफ विच ओवरहेड आर चार्ज टू ईच प्रोडक्ट। और इस रेट के बेसिस पे ही आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट चार्ज करी प्रोडक्ट ए और बी से और सोना और मोना से। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक्टिविटीज के बेसिस पे कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कॉस्ट ड्राइवर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। सर कोई भी ऐसा फैक्टर जिस पे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है, तो द फैक्टर ऑन विच द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिपेंड्स इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो सर परचेज रिलेटेड एक्टिविटी है, तो परचेज रिलेटेड एक्टिविटी डिपेंड करेगी कि आप कितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस करते हो, जो मैंने आपको बताया वही एग्जाम्पल है। दूसरा मशीन रिलेटेड एक्टिविटी,
एक और एक्टिविटी मशीन रिलेटेड, तो मशीन के खर्चे नॉर्मली कितने घंटे आप मशीन चलाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, तो मशीन रिलेटेड एक्टिविटी की कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ मशीन आवर्स। तो ये क्या है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, जो फैक्टर जिसपे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है, दीज फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर, दीज फैक्टर्स आर नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें मेनली क्या करना है, एक रेट स्टेटमेंट बनाना है, हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, दैट स्टेटमेंट इज नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। सिंपली आपको ये स्टेटमेंट पांच कॉलम में बनाना होता है। पहले कॉलम में आप एक्टिविटी का नाम लिखोगे, एक्टिविटी को एक दूसरे नाम से भी इंडिकेट किया जाता है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज कॉस्ट पूल। हर एक एक्टिविटी की अमाउंट आपको बता दी जाएगी, जैसे यहां पे दो एक्टिविटी मैंने ली, परचेज रिलेटेड मशीन रिलेटेड, क्वेश्चन बता देगा एक्टिविटीज के नाम और उसकी अमाउंट भी बता देगा। इसके बाद आपको कॉस्ट ड्राइवर मेंशन करने हैं, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको बताए भी जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में नहीं बताए जाते, तो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे कि अगर नहीं बताया जाए तो हमें किस एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर रेट लेना है। जैसे परचेज रिलेटेड के लिए परचेज ऑर्डर हो गया, मशीन रिलेटेड के लिए मशीन आवर्स हो गया, फिलहाल आपको गिवन होगा। आपको ये कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी बता दी जाएगी, जैसे मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ड्राइवर था नंबर ऑफ ऑर्डर्स 500, यहां पे नंबर ऑफ पीसेज ऑफ पिज्जा 8, ये क्या है कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी थी, वो लिख लेंगे यहां पे परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी, मशीन आवर की क्वांटिटी। जब आप अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे आपको आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट पता चल जाएगा। जब आप कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट पता चल जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जिसमें हम कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करके देखेंगे। क्वेश्चन देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थोड़े से लेंथी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, बट अगर आप उनको पेशेंस के साथ पढ़कर करोगे ईजी होते हैं सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जाम्पल देखते हैं, कहते हैं आरएसटी लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इट बाइज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड रीसेल टू ईच ऑफ द थ्री डिफरेंट मार्केट। सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के से खरीदते हैं और तीन मार्केट में बेचते हैं, और वो तीन मार्केट है जनरल सुपर मार्केट चेन्स, ड्रग स्टोर चेन और केमिस्ट शॉप। ठीक है, ट्रेडर हूं मैं, इधर से खरीद के इधर बेच देता हूं। द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 इन रेस्पेक्ट ऑफ आरएसटी लिमिटेड हैज बीन रिपोर्टेड। आपको एक पर्टिकुलर मंथ अप्रैल 2023 का डेटा दिया, जनरल सुपरमार्केट चेन, ड्रग स्टोर चेन और केमिस्ट शॉप। एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, हम जब एक बार डिलीवरी देते हैं जनरल सुपरमार्केट चेन में तो हमारी सेल होती है, रेवेन्यू होता है 84975। सिमिलरली ड्रग स्टोर चेन को जब डिलीवरी देते हैं तो एक बारी में 28875 का रेवेन्यू आता है, और केमिस्ट शॉप को डिलीवरी देते हैं तो 5445 का एक डिलीवरी में रेवेन्यू आता है। सिमिलरली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डिलीवरी, और एक डिलीवरी से रिलेटेड हमारा जो COGS है, COGS में डायरेक्ट खर्चे आते हैं 82500, 27500 और 4950 का हमारा COGS का खर्चा है। और नंबर ऑफ डिलीवरीज आपको दे दिए, 330 डिलीवरीज आप करते हो GSC में जनरल सुपरमार्केट चेन, ड्रग स्टोर में 825 डिलीवरीज है और केमिस्ट शॉप में 2750 डिलीवरीज है। कहते हैं इन द पास्ट आरएसटी लिमिटेड हैज यूज्ड ग्रोस मार्जिन परसेंटेज टू इवेल्युएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कहते हैं पास्ट में कंपनी क्या करती है, इन तीनों का ग्रोस मार्जिन का परसेंटेज निकालती है और प्रॉफिटेबिलिटी देखती है कि कहां से इनको ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, कहां से कम आ रहा है। लेकिन अब कंपनी क्या चाहती है, द कंपनी प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। लेकिन अब कंपनी ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज नहीं, अब कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना चाहती है। द एक्टिविटी एनालिसिस ऑफ आरएसटी लिमिटेड इज एज अंडर। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अपनी एक्टिविटीज का पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करोगे, हर एक एक्टिविटी में कितना कितना खर्चा लगेगा। तो इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पांच एक्टिविटी फाइंड आउट कर दी, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, स्टोर डिलीवरी, कार्टन डिस्पैच टू स्टोर एंड शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। सर ये पांच तरीके की एक्टिविटी होती है, और हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मतलब ये एक्टिविटी की कॉस्ट
किस पे डिपेंड करती है वो फैक्टर भी दे दिया। कहते हैं कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट परचेज ऑर्डर बाय कस्टमर पे डिपेंड करती है, मतलब ज्यादा परचेज ऑर्डर होंगे तो ज्यादा कॉस्ट, कम होंगे तो कम कॉस्ट। लाइन आइटम ऑर्डरिंग की कॉस्ट एक परचेज ऑर्डर में कितने लाइन आइटम है उस पे डिपेंड करती है, ज्यादा होंगे ज्यादा कॉस्ट, कम होंगे तो कम कॉस्ट। स्टोर डिलीवरी नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी ज्यादा है तो खर्चा ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। कार्टन डिस्पैच टू स्टोर की कॉस्ट डिपेंड करती है, कार्टन डिस्पैच कितना करते हो एक डिलीवरी के अंदर। और शेल्फ स्टॉकिंग डिपेंड करता है शेल्फ स्टॉकिंग के आवर्स कितने आपके। तो आपको एक्टिविटीज के नाम और कॉस्ट ड्राइवर का नाम तो बता दिया, जैसे मैं इसमें बात करूं तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आपको बता दिया। देन इन्होंने कहा द अप्रैल 2023 ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कह रहे हैं अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ये कॉस्ट अलग है, इसके अलावा हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ऑफ आरएसटी लिमिटेड वो है 8,27,970, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है 827,970। दीज ऑपरेटिंग कॉस्ट आर असाइन टू 5 एक्टिविटी एरिया। तो ये जो 8,27,970 827,970 की कॉस्ट थी, इन्होंने इस कॉस्ट को इन 5 एक्टिविटीज में असाइन कर दिया। एंड द कॉस्ट इन ईच एरिया एंड द क्वांटिटी ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेसिस यूज्ड इन दैट एरिया फॉर अप्रैल 2023 आर एज फॉलोस। तो इन्होंने क्या किया, ये जो 827,970 की कॉस्ट थी इसको ऊपर जो आपको 5 एक्टिविटीज बताई गई थी इसमें असाइन कर दिया कि कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड हमारी कॉस्ट है 2,20,000, लाइन आइटम ऑर्डरिंग से रिलेटेड हमारी कॉस्ट है 175,560, स्टोर डिलीवरी से रिलेटेड हमारी कॉस्ट है 195,250, कार्टन डिस्पैच टू स्टोर से रिलेटेड हमारी कॉस्ट है 2,09,000 और शेल्फ स्टॉकिंग से रिलेटेड हमारी कॉस्ट है 28,160। और सर हमें पता है कि इस कॉस्ट का हम एक कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं, तो हमें कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी चाहिए होती है। तो क्वेश्चन ने हमें टोटल यूनिट्स बता दी ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस। कॉस्ट एलोकेशन बेस इज नथिंग सर, कॉस्ट को बांटने का बेसिस, और कॉस्ट को बांटने का जो बेसिस होता है वही कॉस्ट ड्राइवर होता है। कि 55 परचेज ऑर्डर्स हैं, 58,520 लाइन आइटम्स हैं, 3,905 स्टोर डिलीवरीज हैं, कार्टन डिस्पैच है 2,09,000 के, और शेल्फ स्टॉकिंग आवर आपके 1,760 के। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको पहला और तीसरा कॉलम तो पहले ही बता दिया था, अब आपको दूसरा और चौथा कॉलम भी बता दिया, तो सर दूसरे कॉलम को चौथे कॉलम से डिवाइड करके ही तो रेट निकालना है। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, कुछ और भी शायद इस क्वेश्चन में पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ने पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं, क्वेश्चन ने कहा कंप्यूट फॉर अप्रैल 2023 ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहीं पे रुक जाओ एक बार, क्वेश्चन ने ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज पूछा है। सर ग्रॉस मार्जिन होता है सेल्स माइनस जीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस। हमारे पास रेवेन्यू भी गिवन है, हमारे पास सीओजीएस भी गिवन है, तो हम इजिली यहां पे स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बना सकते हैं। आपके पास पर डिलीवरी रेवेन्यू गिवन था 8,497,528,754,5445, कॉपी कर लिया, माइनस करोगे सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट तक जाने के लिए। सर सीओजीएस से पर डिलीवरी 82,500,27,500,4950 माइनस कर दिया। सर आप ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज भले ही पर डिलीवरी निकालो, भले ही टोटेलिटी में आएगा तो सेम ही, तो मैंने यहां पे ग्रॉस मार्जिन पर डिलीवरी निकाल लिया। और ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इन 200। ग्रॉस प्रॉफिट 2475 डिवाइडेड बाय सेल 84975, इट विल बी 2.91%। सिमिलरली 1375 डिवाइड बाय 28875 इनटू 100 4.76% एंड 495 डिवाइड बाय 5445 इनटू 100 9.09%। सर ये तो सबसे पहले आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया। एंड क्वेश्चन का एंड कंप्यूट पूरी कंपनी आरएसटी जिसका नाम है उसकी इनकम निकाल के दो ऑपरेटिंग इनकम। तो सर एक काम करना पड़ेगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाले हैं पर डिलीवरी, तो सबसे पहले तो आपने इसको टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिलीवरी 330 825 2750 से।
तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें पर डिलीवरी सबसे पहले जीपी ले लिया ग्रॉस प्रॉफिट और उनको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ डिलीवरी से, आपको आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया। और सर टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से जो अदर ऑपरेटिंग खर्चे थे 827,970 ये माइनस कर दोगे, आप अपनी ऑपरेटिंग इनकम पे पहुंच जाओ। अभी तक हमने कोई भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई नहीं किया। क्वेश्चन ने कहा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, निकाल दिया, प्रॉफिट निकालो, निकाल दिया। सेकेंड पॉइंट जानना चाहता है, कंप्यूट द अप्रैल 2023 रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। सर जो कॉस्ट ड्राइवर है उसका रेट निकाल के बताओ, उसके लिए स्टेटमेंट बनाते हैं फॉर ईच ऑफ द फाइव एक्टिविटी एरिया। ये जो पांच एक्टिविटीज है हर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के दिखाओ, उसके लिए आपको हमेशा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट बनाना है। पांच कॉलम में एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, अमाउंट कॉपी करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कॉपी करेंगे और अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट आएगा। जैसे सबसे पहले आप यहां पे क्या करोगे, ये जो पांच एक्टिविटीज है इसके नाम कॉपी करोगे, ये पांच जो एक्टिविटीज है इनके जस्ट नाम कॉपी करने, कस्टमर परचेज ऑर्डर, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, स्टोर डिलीवरी, कार्टन डिस्पैच और सेल्फ स्टॉक। दूसरे कॉलम में आपको इसकी कॉस्ट लिखनी होती है, क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है तो आप ये कॉपी कर लोगे 220,175,560, 195,250, 2,09,000 और 28,160। सर ये कॉपी हो जाएगी यहां पे, कॉस्ट कॉपी हो जाएगी यहां पे आपकी। तीसरे कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिखना होता है, क्वेश्चन ने आपको हर एक का कॉस्ट ड्राइवर का नाम बताया है तो ये कॉस्ट ड्राइवर का जो नाम है ये आपने यहां पे कॉपी करना है तीसरे कॉलम में, जस्ट नाम कॉपी करना है क्वेश्चन से। चौथे कॉलम में आपको कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी बताई हुई है वो कॉपी करनी है, ये कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी आपको बताई हुई है ये आपने कॉपी करनी है, जस्ट कॉपी करनी है। और जैसे ही आप अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे आपको आपका कॉस्ट ड्राइवर पता चल जाएगा। तो सर बड़ा सिंपल है कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना, बस क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए। क्वेश्चन छोटा थोड़ी ना, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेकिन इसमें कौन सा डेटा कहां पे यूज करना है वो अपने को पता होना चाहिए और इसके लिए आपको होनी चाहिए प्रैक्टिस। ये रिवीजन क्लासेस है हमारी, तो मेरी कोशिश यही है कि जो भी इस पे टॉपिक बनते हैं मैं हर एक टॉपिक पे आपको एक एक क्वेश्चन यहां पे करवा रहा हूं ताकि आपको जो चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई आपने वो रिमाइंड में आ जाए, किसी ने नहीं पढ़ रखी है तो एक आइडिया लग जाए कि हाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये होता है, और आप भी एग्जाम में थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करके आते हो आपको भी मार्क्स वहां पे मिल सकते हैं। इजी टॉपिक है, क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम कॉस्ट ड्राइवर रेट के साथ साथ कॉस्ट स्टेटमेंट भी बनाएंगे जो कि नॉर्मली आपको एग्जाम में 10 नंबर की वेटेज में पूछा जाता है। एक और एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, नेहल लिमिटेड इज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, बजटेड ओवरहेड्स एंड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम्स आर एज फॉलोस। आपको कॉस्ट पूल इज नथिंग एक्टिविटीज का ही दूसरा नाम होता है कॉस्ट पूल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, मेंटेनेंस, सेटअप, क्वालिटी कंट्रोल और मशीनरी, 6 आपको एक्टिविटीज के नाम बता दिए, हर एक एक्टिविटी की आपको कॉस्ट बता दी, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर का नाम आपको बता दिया और कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी भी आपको बता दी। तो सर कॉस्ट ड्राइवर स्टेटमेंट, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना तो बड़ा इजी है, ये चार कॉलम एज इट इज कॉपी करके आपने बजटेड ओवरहेड को बजटेड वॉल्यूम से ही तो डिवाइड करना है। सबसे पहले वही अगर मैं दिखा दूं आपको, आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, 6 आपकी जो एक्टिविटीज है वो आप कॉपी कर लोगे, नाम आपके पास कॉस्ट भी गिवन है क्वेश्चन में एज इट इज, आप कॉस्ट कॉपी कर लोगे, एज इट इज कॉस्ट कॉपी कर लोगे, कॉस्ट के बाद आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ड्राइवर का नाम भी गिवन है, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर का जो नाम है वो हम कॉपी कर लेंगे और आपके पास कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम भी गिवन है, सर वो वॉल्यूम भी कॉपी कर लेंगे। सिंपल मैं कहूं ये जो आपके पास क्वेश्चन में चार कॉलम गिवन थे
ये आपने एज इट इज कॉपी करने थे। बस अब अपना ड्राइवर रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो सर, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 11,60,000 डिवाइड बाय 2,200, 527 पर ऑर्डर आ गया, 5,00,000 डिवाइड बाय 1,360, 368 पर मूवमेंट आ गया, 19,40,000 डिवाइड बाय 16,800, 115 रुपए पर मेंटेनेंस आवर आ गया, 8,30,000 डिवाइड बाय 1,040, 798 पर सेटअप आ गया, 3,52,000 फॉर 1,800 इंस्पेक्शन, 196 पर इंस्पेक्शन आ गया, एंड एंड एंड। ये यहां पे गलती से प्रिंटेड है, इसको इरेज कर दिया जाए तो अच्छा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। मशीनरी सर 14,40,000 डिवाइड बाय 48,000, 30 रुपी पर मशीन आवर। तो सर बहुत इजीली आप रेट तो निकाल सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कहानी कुछ और भी पूछी आगे। पहली डिमांड तो यही है क्वेश्चन में कि आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करके देने हैं दैट आर यूज फॉर ट्रेसिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू द सेट बैच। लेकिन आगे कहते हैं द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड ए बैच ऑफ 5200 कंपोनेंट। कंपनी बैचेस में प्रोडक्शन करती है, तो एक बैच में 5200 यूनिट इन्होंने प्रोड्यूस करी, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट आ गई 2,60,000, डायरेक्ट मटेरियल होता है, लेबर की कॉस्ट आ गई 4,90,000, डायरेक्टली ये ट्रेस कर पा रहे हैं मटेरियल लेबर की कॉस्ट। इसके अलावा यूसेज एक्टिविटीज ऑफ द सेट बैच आर एज फॉलोज। सर इस बैच में हमने यूज कितना कितना एक्टिविटीज करी है, तो हमने मटेरियल के ऑर्डर इसके लिए यूज किए हैं 52, मटेरियल की मूवमेंट यूज करिए 36, मेंटेनेंस के आवर्स यूज किए हैं 1380, सेटअप किए हैं 50, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन किए हैं 56 और मशीन आवर्स यूज किए हैं 3600। सर नथिंग, क्वेश्चन की सेकंड डिमांड आपको इस बैच के कंपोनेंट की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट शीट बना दो, सिंपल कॉस्ट शीट बना दो, मटेरियल और लेबर कॉपी कर लो 260 और 490। आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाना होता है, सिंपल सी मैं बात करूं, मटेरियल लेबर कॉपी करके प्राइम कॉस्ट आ गई 750। इसके बाद आपको करना क्या है, सर मुझे पता है 527 पर ऑर्डर कॉस्ट है, 527 पर ऑर्डर कॉस्ट और 52 ऑर्डर है, तो 52 × 527 27404। सिमिलरली मुझे पता है 368 पर मूवमेंट की कॉस्ट है और नंबर ऑफ मूवमेंट है 36, तो 36 × 368 इट विल बी 13248। नेक्स्ट रेट है आपका 115 रुपए पर मेंटेनेंस आवर, और सर मेंटेनेंस आवर है 1380, तो 1380 × 115 दैट विल बी 1,58,700। नेक्स्ट कॉस्ट ड्राइवर रेट है 798 पर सेटअप, और नंबर ऑफ सेटअप है 50, तो 50 × 798 इट विल बी 39,900। इंस्पेक्शन की बात करें तो रेट है 196 पर इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन है 56, तो 56 × 196 इट विल बी 10,976 और 30 रुपी पर मशीन आवर है, और नंबर ऑफ मशीन आवर 36, तो 3600 × 30 इट विल बी 1,08,000। और इस तरीके से आप अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो सर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है, और उसके बाद क्वेश्चन आपसे कॉस्ट स्टेटमेंट नॉर्मली पूछेगा, वो आपको बना के दे देना। मेनली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यही चलता है, बट इसमें भी कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है, तो मैं जितनी भी वैरायटीज हो सकता है आपको यहां पे रिवीजन लेक्चर में कवर करवाऊंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको मेनली कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे बनता है वो बताया, और सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी साथ में कैसे बनाया जाए वो देखा। इसके बाद कई बार आपसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ओवरहेड चैप्टर का भी एप्लीकेशन करवाया जाता है। जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आ जाते हैं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक होती है, जिसकी वजह से ओवरहेड जो टॉपिक होता है वो आपका ट्रेडिशनल बन जाता है। एक क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना होता है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फास्टनर्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स फोर प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी। चार तरीके के प्रोडक्ट है जो कंपनी बना रही है, प्रोडक्ट ए बी सी और डी। डिटेल्स ऑफ द फोर प्रोडक्ट्स एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो फॉर वीक एंडेड 28 अप्रैल 2017। और चार प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास गिवन है, प्रोडक्ट ए बी सी और डी। आपके पास चारों प्रोडक्ट की आपने कितनी कितनी यूनिट्स बनाई वो बता दिया। कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट और मशीन आवर्स कितने लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, वो आपके पास गिवन है।
द फोर प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, ये चारों जो प्रोडक्ट है ये सिमिलर है। मतलब अगर मैं कहूं चार तरीके के आप कपड़े बनाते हो, क्लोथ बनाते हो, तो ये चार तरीके के क्लोथ है। आप चार तरीके की सोप्स बनाते हो, तो ये चार तरीके की सोप्स है। तो प्रोडक्ट सेम तरीके का है एंड आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन ऑफ 20 यूनिट्स, और आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हो 20 यूनिट के प्रोडक्शन रन में। मतलब एक बारी में 20 यूनिट बना रहे हो, एक बैच में 20 यूनिट बना रहे हो। एंड सोल्ड इन बैचेस ऑफ 10 यूनिट, लेकिन बेचते वक्त आपने क्या कर रखा है, 10-10 यूनिट का बैच बना रखा है। से एग्जांपल आपने एक बॉक्स बनाया, उसमें 10 यूनिट डाल के बेच रहे हो, तो बेच रहे हो 10-10 के लॉट में और बना रहे हो 20-20 के लॉट में। द प्रोडक्शन ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड आर एज फॉलोज, और हमें ओवरहेड के खर्चे बता दिए। 5 तरीके के आपके ओवरहेड के खर्चे हैं, फैक्ट्री वर्क्स एक्सपेंसेस, सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच। हर एक एक्टिविटी का आपको खर्चा बता दिए। आप इसका टोटल कर सकते हो ताकि हमें टोटल ओवरहेड के खर्चे पता चल जाए। तो ये टोटल एक्सपेंस आ रहा है 52,000। मतलब आपके ओवरहेड के जो खर्चे हैं वो टोटलिटी में 52,000 के हैं। द प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज करेंटली अब्सॉर्ब्ड बाय यूजिंग ए मशीन आवर रेट। ओवरहेड में अप्लाई होता है मशीन आवर रेट। तो कहते हैं करंटली आप क्या कर रहे हो, मशीन आवर रेट यूज करते हो ओवरहेड को अब्सॉर्ब करने के लिए। मतलब कंपनी मशीन आवर रेट कैलकुलेट करती है और जो मशीन आवर रेट आता है उसको मशीन आवर से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में ओवरहेड डाल देती होगी। एंड द कंपनी विशेष टू इंट्रोड्यूस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, लेकिन अब कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। एंड हैज आइडेंटिफाइड मेजर कॉस्ट पूल्स, मतलब एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट ड्राइवर। तो कंपनी ने अपनी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली, उनके कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिए। इंफॉर्मेशन इन दीज एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स एंड देयर ड्राइवर इज गिवन बिलो। तो ये जो ऊपर 5 तरीके के खर्चे थे, इसी नाम से इन्होंने अपनी एक्टिविटीज बता दी 5 तरीके की। फैक्ट्री वर्क एक्सपेंस, सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच। और साथ में इनका आपको कॉस्ट ड्राइवर भी बता दिया। फैक्ट्री वर्क एक्सपेंस के लिए आपने मशीन आवर्स यूज करना है, सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन यूज करना है, स्टोर रिसीविंग के लिए रिक्विजिशन रेट यूज करना है, इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन यूज करना है, और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड यूज करना है। ठीक है, चाहता क्या है क्वेश्चन, कहते हैं द नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेस्ड ऑन द स्टोर वाज 20 फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के लिए 20 रिक्विजिशन है, तो अगर चार प्रोडक्ट है तो टोटेलिटी में आपके 80 रिक्विजिशन हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड वॉज 42, और जो आपने नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं वो टोटेलिटी में 42 किए हैं। ईच ऑर्डर बीइंग फॉर ए बैच ऑफ 10 ऑफ ए प्रोडक्ट, और हर एक ऑर्डर 10 यूनिट का था। वो तो हम पहले भी कह चुके हैं कि आप बेच जो रहे हो वो 10-10 के लॉट में आप बेच रहे थे। रिक्वायरमेंट देखो क्या है क्वेश्चन की। पहली रिक्वायरमेंट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हटके ट्रेडिशनल, जिसमें ये क्या कहते हैं, आपको टोटल कॉस्ट निकाल के बतानी है हर प्रोडक्ट की, एज्यूमिंग द अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑन मशीन आवर बेसिस। सर मशीन आवर बेसिस पे अब्सॉर्प्शन करना है तो आपको निकालना पड़ेगा मशीन आवर रेट। फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर। सर टोटल ओवरहेड आपको पता है 52,000 है, नंबर ऑफ मशीन आवर को आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 120 इंटू 4 480, 100 इंटू 3 300, 80 इंटू 2 160, 120 इंटू 3 360। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करोगे ओवरहेड रेट इज इक्वल टू प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर। सर प्रोडक्शन ओवरहेड 52,000 मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिए थे, लिख दिए। नंबर ऑफ मशीन आवर यहां पे कैलकुलेट कर दिए हैं, एबीसीडी के कैलकुलेशन मैंने बता दी। 120 इंटू 4, 100 इंटू 3, 80 इंटू 2, 120 इंटू 3, इसका टोटल कर लिया, टोटल आ गया 1300। इसका मतलब 52,000 का एक्सपेंस है 1300 मशीन आवर के लिए। तो सर एक घंटे मशीन चलाने का खर्चा 40 रुपए। आपको जब ये 40 रुपए का रेट पता चल गया तो क्वेश्चन जानना चाहता है टोटल कॉस्ट।
तो सर टोटल कॉस्ट के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बनाना पड़ेगा। चार प्रोडक्ट है तो टोटल कॉलम लेने पड़ेंगे पांच, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए बी सी और डी। और हम क्या कर लेते हैं यहां पे नंबर ऑफ यूनिट मेंशन कर लेते हैं, साथ में 120, 180 और 120 यूनिट्स हम बना रहे हैं प्रोडक्ट ए बी सी और डी की। सर सबसे पहले हम मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं, तो 120 इंटू 40 हो जाएगा, 100 इंटू 50 हो जाएगा, 80 इंटू 30 हो जाएगा, 120 इंटू 60 हो जाएगा। आपको आपकी मटेरियल की कॉस्ट पता चल जाएगी 4800, 5000, 2400, 7200। सिमिलरली मटेरियल के बाद आप लेबर की कॉस्ट लोगे, नंबर ऑफ यूनिट 120 इंटू 28, 100 इंटू 21, 18 इंटू 14, 120 इंटू 21, आपको आपकी लेबर की कॉस्ट पता चल जाएगी। दोनों को ऐड करोगे प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगी। सर प्राइम कॉस्ट में हम ओवरहेड ऐड करते हैं और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अलावा जो भी मेथड होता है उसमें रेट केवल एक ही होता है, जो कि यहां पे मशीन आवर रेट है 40 रुपए पर आवर। तो 40 रुपए पर आवर है, प्रोडक्ट ए के आवर से 480, तो 480 इंटू 40 19,200। सिमिलरली 300 घंटे बी के, तो 300 इंटू 40 12,000। सी के आवर से 160, तो 160 इंटू 40 6,400। और डी के आवर से 360, तो 360 इंटू 40 14,400। बस जैसे ही आप इसका एडिशन कर लोगे आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाए। तो इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ साथ आपसे मशीन आवर लेबर आवर का एप्लीकेशन भी करवाया जा सकता है। उसके बाद आपसे नॉर्मल कैलकुलेशन पूछी जाएगी, मतलब वही जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल में कराई, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट अज्यूमिंग द अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। और सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करने के लिए कॉस्ट ड्राइवर रेट की जरूरत होती है, तो आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, जो कि हम हमेशा पांच कॉलम में बनाते हैं। पहले कॉलम में एक्टिविटी और कॉस्ट पूल का नाम लिखते हैं, दूसरे कॉलम में अमाउंट, तीसरे कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर, चौथे कॉलम में क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर और पांचवें कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर का रेट, जिसमें आप सबसे पहले तो क्वेश्चन से ये जो पांच एक्टिविटीज है, फैक्ट्री वर्क एक्सपेंस, सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग, इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच, इनको कॉपी कर लेंगे। देन इनकी जो क्वेश्चन में अमाउंट्स गिवन है उसको कॉपी कर लेंगे। 20180, 10500, 7200, 4200 और 9240 इसको कॉपी कर लेंगे। तीसरे कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिखना है, ये भी कॉपी कर लो, क्वेश्चन में गिवन है। मशीन आवर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, रिक्विजिशन रेज, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन और नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, तो ये तो सारी चीजें कॉपी करनी। अब मशीन आवर कितने हैं हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सर मशीन आवर है टोटेलिटी में 1300 लिख दी। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन निकालने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन ने कहा था कि प्रोडक्शन रन हमारा 20 यूनिट का है। अगर आप प्रोडक्ट ए बी सी डी की बात करोगे तो इनकी टोटेलिटी में यूनिट्स की बात करें तो 120 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 120 420 यूनिट है टोटेलिटी में। अगर एक प्रोडक्शन रन 20 यूनिट का होगा तो इसका मतलब 21 प्रोडक्शन रन होंगे टोटेलिटी में 21 प्रोडक्शन रन होंगे। तो ये मैंने टोटल निकाल दिया है और नीचे मैंने इंडिविजुअली भी निकाल दिया है। प्रोडक्ट ए की 120 यूनिट है तो 120 डिवाइड बाई 26, 100 डिवाइड बाई 25, 80 डिवाइड बाई 24, 120 डिवाइड बाई 20 इंडिविजुअली भी मैंने कैलकुलेट कर दिया है, क्योंकि बाद में आपको इंडिविजुअल भी जरूरत पड़ती है। रिक्विजिशंस, सर रिक्विजिशन क्वेश्चन ने बोला था 24 ईच प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट के लिए अगर 20 है तो चार प्रोडक्ट है तो टोटेलिटी में 80 हो गए। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कॉपी करना है 21। नंबर ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन था 42 ऑर्डर्स है, वो 42 ऑर्डर्स एज इट इज आप कॉपी कर लो। जैसे ही आप अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे आपको आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट पता चल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन की क्या डिमांड है, टोटल कॉस्ट। तो सर टोटल कॉस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, दोबारा से स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बना लो। इसमें मटेरियल लेबर और प्राइम कॉस्ट की जो अमाउंट है वो कॉपी पेस्ट करनी है। 4800, 5000, 2400, 7200, 3360, 2100, 1120, 2520, 8160, 7100, 3520, 9720। सर ये फिगर तो कॉपी पेस्ट है, क्योंकि इनमें कोई चेंज थोड़ी ना आएगा, चेंज आता है केवल और केवल ओवरहेड की अमाउंट में। अब आप अपने ओवरहेड एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली ऐड कर लो। पहली एक्टिविटी थी फैक्ट्री एक्सपेंस, जिसका रेट था 16 रुपए पर आवर।
वो मशीन आवर्स पे डिपेंड करता है, तो आप लिखोगे फैक्ट्री एक्सपेंस ₹16 पर आवर और इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मशीन आवर्स से जो आपने कैलकुलेट किए 480, 300, 160 और 360 से, आपको आपकी फैक्ट्री एक्सपेंस पता चल जाएंगे। सेकंड एक्टिविटी लिख लो सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट का रेट निकाला ₹500 पर प्रोडक्शन रन, ₹500 पर प्रोडक्शन रन, ₹500 पर प्रोडक्शन रन। और ये जो ₹500 पर प्रोडक्शन रन है इसको प्रोडक्शन रन से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 6 प्रोडक्शन रन है तो 500 इंटू 6, 5 है तो 500 इंटू 5, 4 है तो 500 इंटू 4 और 6 है तो 500 इंटू 6। ये आपकी सेटअप कॉस्ट आ गई, ये आपकी सेटअप कॉस्ट आ गई। इसके बाद बात करें स्टोर रिसीविंग आता है, सर स्टोर रिसीविंग का रेट है ₹90 पर रिक्विजिशन, क्वेश्चन ने कहा था हर एक के लिए 20 है तो 90 × 20 करके सब में 1800 रुपए डाल। इसके बाद नेक्स्ट था इंस्पेक्शन रेट था ₹200 पर प्रोडक्शन रन, तो 200 × 6, 200 × 5, 200 × 4, 200 × 6 आपको आपका इंस्पेक्शन कॉस्ट पता चल जाएगी। फाइनली मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो मटेरियल हैंडलिंग का रेट था 220 पर ऑर्डर। इसके लिए आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने पड़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर टोटेलिटी में 42 थे, टोटेलिटी में 42 थे लेकिन एक ऑर्डर जो था वो था 10 यूनिट का, तो कहीं ना कहीं आप जब कैलकुलेशन करोगे तो 120 डिवाइड बाय 10 12 ऑर्डर, 100 डिवाइड बाय 10 10 ऑर्डर्स, 80 डिवाइड बाय 10 8 ऑर्डर्स और 120 डिवाइड बाय 10 12 ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे अलग से, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने अलग से कैलकुलेट कर दिए। पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी थी, पर ऑर्डर कॉस्ट थी 220, तो 220 इंटू 12, 220 इंटू 10, 220 इंटू 8, 220 इंटू 12 आपको आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी पता चल जाएगी और सबका टोटल करोगे तो आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं इसके अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए कि मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पीडीएफ रिवीजन पीडीएफ चाहिए। ये मत लिखना कि मुझे पीडीएफ चाहिए क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा रजिस्टर्ड पेड बच्चा है या फिर रिवीजन वाला चाहिए, तो आपको स्पेसिफिकली उसमें लिखना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का रिवीजन पीडीएफ मुझे मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराया थर्ड, इसमें आपको एक ट्रेडिशनल तरीका भी देखने को मिल रहा है तो साथ में आपको यहां पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। और ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होती है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे हमने अभी अभी मशीन आवर मेथड का एप्लीकेशन किया था एबीसी के साथ, बिल्कुल वैसे ही आपसे एग्जाम में लेबर आवर का भी एप्लीकेशन करवाया जा सकता है। कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को, कैसे हैंडल करना है, एक और एग्जाम्पल देखो। अनुकूल उद्योग लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। एक कंपनी है अनुकूल उद्योग लिमिटेड, दो तरीके के प्रोडक्ट बनाती है एक्स और वाई, एंड ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। और फिलहाल कंपनी क्या करती है, लेबर आवर के बेसिस पे ओवरहेड अब्सॉर्ब कर रही है, ओवरहेड रिकवर करती है प्रोडक्ट्स। द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोडक्ट्स फॉर द मंथ ऑफ मे 2023 इज एज फॉलोज। दो प्रोडक्ट एक्स और वाई, दोनों की नंबर ऑफ यूनिट बता दी 2550 और 3300। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है 300 450, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट तो है 240 360 और लेबर की कॉस्ट 60 पर आवर है। तो सर अगर 240 पर यूनिट और 60 पर आवर, इसका मतलब 4 घंटे लगेंगे प्रोडक्ट एक्स को बनाने में, और अगर 60 पर आवर और टोटल 360 है तो 6 घंटे लगेंगे, 6 आवर्स लगेंगे प्रोडक्ट वाई को बनाने के लिए। ड्यूरिंग द अबव सेड पीरियड डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड व 30,000 आवर्स, और कंपनी ने टोटेलिटी में 30,000 आवर्स वर्किंग करी और प्रोडक्शन ओवरहेड के जो खर्चे हैं वो है 1687,500। तो आप इजीली यहां पे ओवरहेड का रेट निकाल सकते हो लेबर आवर के हिसाब से, 1687,500 डिवाइड बाय 30,000 आवर्स करके
आपको आपका ओवरहेड का रेट पता चल जाएगा 56.25 पर लेबर आवर। डिटेल्स ऑफ ओवरहेड अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाइड थ्री एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। कहते हैं जो 1687,500 है इसका बाइफिकेशन कुछ इस तरीके से है, तीन एक्टिविटीज में इन्होंने अपने खर्चों को डिवाइड कर दिया, ऑर्डर प्रोसेसिंग 365, मशीन प्रोसेसिंग 11,20,000, इंस्पेक्शन है 2,02,500। और दोनों जो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, दोनों के आपको एक्स के 650 ऑर्डर्स हैं, वाई के 350 ऑर्डर्स हैं, मतलब वी कैन से सर टोटेलिटी में 1000 ऑर्डर्स हैं। 9500 मशीन आवर्स हैं एक्स के और वाई के है 12,900 आवर्स, तो 9500 प्लस 12,900 इट विल बी 22,400 मशीन आवर्स, और 275 इंस्पेक्शन और 400 इंस्पेक्शन है, तो टोटल इंस्पेक्शन हो गए दोनों के मिला के 675। ठीक है, तो ये आपको टोटल पता चल गया, जो पहले क्वेश्चन में टोटल गिवन था वैसे पता चल गया आपने। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। सर एक यूनिट को बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ फॉर ईच प्रोडक्ट एक्स और वाई बाय यूजिंग, पहले तो आपने लेबर आवर मेथड यूज करना है फॉर एब्जॉर्प्शन, और दूसरे में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना है। तो सर लेबर आवर अप्लाई करने के लिए ओवरहेड रेट आपको पता चल गया 56.25, अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लो जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बना लो लेबर आवर बेसिस पे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लो लेबर आवर बेसिस पे। दो प्रोडक्ट है तो तीन कॉलम ले लो, पर्टिकुलर एक्स और वाई। सर एक्स की यूनिट थी 2550 और वाई की यूनिट थी 3300 जो हमने यहां पे मेंशन कर दिए। सबसे पहले आप मटेरियल की कॉस्ट लोगे तो 2550 इंटू 300, 3300 इंटू 450 आपको आपकी मटेरियल की कॉस्ट पता चल गई। सिमिलरली लेबर की कॉस्ट पता कर लो, सर लेबर की कॉस्ट है 2550 इंटू 240, 3300 इंटू 360 आपको आपकी लेबर की कॉस्ट पता चल गई, आपको आपकी प्राइम कॉस्ट पता चल गई। प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड एड कर लो, सर ओवरहेड एड का रेट था 56.25, लेबर आवर पता कर लेते हैं। सर चार घंटे प्रोडक्ट एक्स के लिए थे, नंबर ऑफ यूनिट थी 2550, तो 2550 इंटू 4 10,200 आवर्स लग जाएंगे, और यहां पे 3300 इंटू 6 यहां पे 19,800 घंटे लग जाएंगे। मैंने यहां पे पूरी कैलकुलेशन दिखा दी है, 2550 यूनिट, एक यूनिट को बनाने में चार घंटे लगेंगे, तो ये तो हो गए 10,200 घंटे। एक घंटे का रेट है 56.25, तो मल्टीप्लाई कर। सिमिलरली यहां पे भी 3300 यूनिट्स हैं, एक यूनिट को बनाने के लिए 6 आवर्स, तो ये हो गया आपके 19,800 आवर्स, और रेट है 56.25। ओवरहेड की कॉस्ट आ गई, तीनों को ऐड कर लोगे तो आपके आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। क्वेश्चन ने पर यूनिट कॉस्ट पूछा था, पर यूनिट पूछा है तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, यहां पे 2550 यूनिट थे, यहां पे 3300, आपको आपकी कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी। ये लेबर आवर मेथड का एप्लीकेशन हो गया। साथ में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना है। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए अपने को सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट चाहिए, उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। हमेशा पांच कॉलम में बनाते हैं, सबसे पहले कॉलम में एक्टिविटी का नाम, दूसरे कॉलम में उस एक्टिविटी की कॉस्ट, तीसरे कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर का नाम, चौथे कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी, सेकेंड कॉलम को फोर्थ कॉलम से डिवाइड करोगे आपको आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट पता चलेगा। सबसे पहले कॉलम में तो हम क्वेश्चन से देखकर एक्टिविटीज के नाम कॉपी कर लेते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग और इंस्पेक्शन, हो गया सर कॉपी। इसके बाद जो क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है उसको कॉपी कर लेते हैं, 365,1120, 2,02,500 कॉस्ट कॉपी हो गई। कॉस्ट ड्राइवर का नाम कॉपी कर लो, यहां पे है नंबर ऑफ ऑर्डर, यहां पे है नंबर ऑफ मशीन आवर, यहां पे है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ये कॉपी कर लो। इसके बाद क्वांटिटी कॉपी कर लो, इसकी जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी थी यहां पे 1000, 22400 और 675, बस डिवाइड करो 365 डिवाइड बाय 1000, 365 पर ऑर्डर, 11,20,000 डिवाइड बाय 22450 पर मशीन आवर, 2,02,500 डिवाइड बाय 675 इंस्पेक्शन, 300 पर इंस्पेक्शन, बस। अब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ऑफ कोर्स दो प्रोडक्ट है तो तीन कॉलम, पर्टिकुलर एक्स और वाई, मटेरियल लेबर और प्राइम कॉस्ट, ये जो फिगर्स है ये आप इसी स्टेटमेंट से कॉपी कर सकते हैं, सेम रहेगा। ओवरहेड को एक्टिविटी वाइज चार्ज कर लो, जिसमें पहली एक्टिविटी है ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट,
सर रेट था 365 पर ऑर्डर, मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो 365 इंटू 650, 365 इंटू 350। सेकेंड एक्टिविटी थी आपकी मशीन प्रोसेसिंग, रेट आपने कैलकुलेट किया 50 पर मशीन आवर, तो सर 50 इंटू मशीन आवर, 50 इंटू 9500, 50 इंटू 12900, आपको आपकी मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी इंस्पेक्शन, रेट है 300 पर इंस्पेक्शन, तो 300 इंटू 275, 300 इंटू 400, सर ये आपको इंस्पेक्शन की कॉस्ट पता चल गई, सबको ऐड कर दो आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल गई। क्वेश्चन ने लेकिन पर यूनिट पूछा था, तो ये कॉस्ट है 2550 की, ये कॉस्ट है 3300 की, डिवाइड कर दो आपको आपकी कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरली था जो पिछला एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, फर्क केवल ये था पिछले में मशीन आवर का एप्लीकेशन था और इस क्वेश्चन में लेबर आवर का एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आपके साथ खेल खेलेगा कि आपको एक्टिविटीज के नाम बता दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ड्राइवर भी दिए जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज करना है। तो उस सिचुएशन में आपको याद करके जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं कहूं तो याद करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस को करते करते आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, बट फिर भी मैं तो ये कहूंगा आपको याद करना पड़ेगा सर क्या कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो सेटअप के लिए आपने नंबर ऑफ सेटअप गिवन हो तो वो यूज कर लेना, अगर वो नहीं गिवन है तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन गिवन होंगे वो यूज कर लेना, दोनों में से एक ही अवेलेबल होगा क्वेश्चन में, जो गिवन हो वो यूज कर लेना। मशीन्स के लिए नंबर ऑफ मशीन आवर यूज कर लेना, रिसीविंग के लिए नंबर ऑफ रिसिप्ट यूज करना है, पैकिंग के लिए नंबर ऑफ डिलीवरीज, इंजीनियरिंग के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, ध्यान देना सेटअप के लिए प्रोडक्शन रन है और इंजीनियरिंग के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर है, दोनों अलग अलग है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट, वॉल्यूम रिलेटेड, यहां पे कई बार कंफ्यूजन होता है, बच्चे वॉल्यूम रिलेटेड में नंबर ऑफ यूनिट ले जाते हैं, लेकिन ध्यान देना वॉल्यूम रिलेटेड यहां पे नंबर ऑफ मशीन आवर यूज करना, और परचेज रिलेटेड कॉस्ट में नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ज्यादा नहीं, ये 8 एक्टिविटीज के आपको कॉस्ट ड्राइवर याद कर लेने हैं या क्वेश्चन करते करते याद हो जाने। किस तरीके से क्वेश्चन होगा, जब हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर और एक्टिविटी गिवन तो होंगे बट नहीं बताया जाएगा कि कौन से के लिए क्या यूज करना है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ फ्रूट जूसेस, नाम है एप्पल, ऑरेंज और मिक्स फ्रूट। ठीक है, तीनों तरीके के फ्रूट जूसेस आप यूज करते भी होंगे। द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 आर एज अंडर, तीन तरीके के फ्रूट्स जूसेस, एप्पल, ऑरेंज और मिक्स्ड फ्रूट। यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आपको बता दी 10,000, 15,000, 20,000। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 865, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 543, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 34, 32, 14। अगर मैं टोटल कर लूं इसका तो सर ये टोटल बन जाता है 80, क्योंकि रेट निकालने के लिए हमें टोटल की जरूरत होती है। नंबर ऑफ डिलीवरीज 110 प्लस 64 प्लस 52, 226, और शेल्फ स्टॉकिंग आवर 110 प्लस 160 प्लस 170, 440। ठीक है, ओवरहेड इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ आर एज अंडर, ऑर्डरिंग की कॉस्ट है 64,000, डिलीवरी की कॉस्ट है 158,200, शेल्फ स्टॉकिंग की कॉस्ट है 87,560। टोटल की अगर अपने को जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, वैसे यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ने पहले पॉइंट में कहा है कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो और दूसरे में कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन आप देखोगे सर किस एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज करना है वो नहीं बताया, जरूरत भी नहीं है सर, हमें पता है ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर जाएगा, डिलीवरी कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ डिलीवरी जाएगी, शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट के लिए शेल्फ स्टॉकिंग आवर जाएगा। तो एक्चुअल में बैठ के याद करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज होता है, वो हमें क्वेश्चन करते करते पता लग जाता है या क्वेश्चन से ही आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, बना दो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट बना दो सबसे पहले, तो सर हेडिंग पुट करो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, हमेशा 5 कॉलम में हम बनाते हैं, एक्टिविटी अमाउंट, कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एंड फाइनली कॉस्ट ड्राइवर रेट। तीन तरीके की एक्टिविटी के नाम कॉपी पेस्ट करो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट, कर लिया।
तीनों की कॉस्ट कॉपी करो, 64,158,200,87,560 हो गया। कॉस्ट ड्राइवर के नाम कॉपी करो सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर यूज होंगे, डिलीवरी कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ डिलीवरी यूज होगी, शेल्फ स्टॉकिंग आवर के लिए नंबर ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग आवर यूज होंगे। कर लिया, अब इनकी क्वांटिटी लिख दो जो मैंने टोटल लिखा था 8226 और 440। बस सेकंड कॉलम को फोर्थ कॉलम से डिवाइड करोगे, 800 रुपए पर परचेज ऑर्डर, 700 रुपए पर डिलीवरी और 199 पर शेल्फ स्टॉकिंग आवर, आपको आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट पता चल गया। अब बना लो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, बना के दे दो स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। प्रोडक्ट क्या किया है, प्रोडक्ट तीन है, एप्पल, ऑरेंज और मिक्स फ्रूट, तो एप्पल को ए लिख दिया, ऑरेंज को ओ लिख दिया, मिक्स्ड फ्रूट को एमएफ लिख दिया, तो चार कॉलम बना लिए पर्टिकुलर्स, एप्पल, ऑरेंज और मिक्स्ड फ्रूट। सर सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स है 10,000, 15,000, 20,000, मटेरियल की कॉस्ट 10,000 × 8, 80,000, 15,000 × 6, 90,000, 20,000 × 5, 1,00,000। सबसे पहले आप अपनी मटेरियल की कॉस्ट बुक कर लो। इसके बाद लेबर की बात करें 10,000 × 5, 50,000, 15,000 × 4, 60,000, 20,000 × 3, 60,000। सर ये भी कॉपी कर लो, दोनों का एडिशन करोगे आपको आपकी प्राइम कॉस्ट पता चल गई। प्राइम कॉस्ट के बाद आप ओवरहेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी वाइज रिकॉर्ड करते हो। सर पहली एक्टिविटी थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, पहली एक्टिविटी थी आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसका रेट आपने निकाला है 800 रुपए पर ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर देख लो यहां पे 800 × 34 हो जाएगा, 800 × 32 हो जाएगा, 800 × 14 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। सेकेंड एक्टिविटी आपकी डिलीवरी, डिलीवरी का रेट आपका 700, तो ये हो जाएगा 700 × 110, 700 × 64, 700 × 52, आपको आपकी डिलीवरी की कॉस्ट पता चल जाएगी। तीसरी एक्टिविटी आपकी शेल्फ स्टॉकिंग, शेल्फ स्टॉकिंग रेट है सर आपका 199 पर आवर, तो 199 × 110, 199 × 160, 199 × 170, आपको आपकी शेल्फ स्टॉकिंग की कॉस्ट पता चल जाएगी। प्राइम कॉस्ट में आप ओवरहेड के खर्चे ऐड करोगे, आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, दोबारा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां पे आपके पास एक्टिविटीज गिवन है, कॉस्ट ड्राइवर भी है बट बताया नहीं कि किसके लिए क्या यूज करना है, बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें कई बार कुछ नया पॉइंट ऐड करके पूछा जाता है, जो कि आपको यहां पे सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है वो नए पॉइंट देखने को मिलेंगे। क्या क्वेश्चन है, एग्जांपल के थ्रू, पीक्यूआर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड आर, द कंपनी कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम यही तो करते हैं, रेट निकालते हैं किस बेसिस पे, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे, विच इज प्रोवाइडेड एज बिलो। तीन एक्टिविटी बता दी, लेबर आवर्स, प्रोडक्शन रन और क्वालिटी इंस्पेक्शन। इसके कॉस्ट ड्राइवर आपको बताए हुए हैं, लेबर आवर्स के लिए लेबर आवर्स है, प्रोडक्शन रन के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है। कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी कैपेसिटी बता दिया, 30,000 लेबर आवर है, 600 प्रोडक्शन रन है, 8,000 इंस्पेक्शन है, और कॉस्ट भी बता दिया 3,00,000, 1,80,000, 2,40,000। आप इजिली कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल सकते हो, कॉपी करो लेबर आवर, प्रोडक्शन रन, क्वालिटी इंस्पेक्शन। सर कॉस्ट कॉपी करो, 3,01,80,240, कॉस्ट ड्राइवर का नाम कॉपी करो, लेबर आवर, प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन, इसकी क्वांटिटी कॉपी करो 30,600, 8,000, आपको आपके रेट पता चल गए, 10 रुपए पर लेबर आवर, 300 पर प्रोडक्शन रन एंड 30 रुपए पर इंस्पेक्शन। ये तो बहुत इजीली यहीं से कैलकुलेट हो रहा था। देन क्वेश्चन है, द कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द पीरियड इज एज अंडर, जो हमारी एक्टिविटीज है, प्रोडक्ट पी में 10,000 आवर्स, क्यू में 8,000 आवर्स, आर में 6,000 आवर्स यूज हुए हैं, प्रोडक्शन रन पी में 200, क्यू में 180, आर में 160 यूज हुए हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन पी में 3,000, क्यू में 2,500, आर में 1,500 यूज हुए हैं, ताकि हम इजीली ओवरहेड के खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। हमें यहां पे कोई स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट नहीं बनाना, ना बन सकता है, क्योंकि मटेरियल लेबर के खर्चे नहीं गिवन है। क्वेश्चन केवल चाहता है हर एक प्रोडक्ट में हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी होगी वो बताओ, तो कैलकुलेट कर दो, सिंपल सी बात है।
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के नाम से पर्टिकुलर तीन प्रोडक्ट पी क्यू आर। सर पहली एक्टिविटी है आपकी डायरेक्ट लेबर आवर, रेट है 10 रुपी पर आवर और क्वेश्चन में आवर्स हैं 10,000, तो 10,000 × 10 1 लाख, 8,000 × 10 80,000, 6,000 × 10 60,000 आ गया। सेकेंड एक्टिविटी है प्रोडक्शन रन, रेट है 300 रुपए पर रन, तो 300 × 200, 300 × 180, 300 × 160 60,000, 54,000, 48,000। थर्ड एक्टिविटी है क्वालिटी इंस्पेक्शन, रेट है 30 पर इंस्पेक्शन और 30 × 3,000 इट विल बी 90,000, 2500 × 30 75,000, 1500 × 30 45,000। बस सर ये पूछा है, आप इसका टोटल करना चाहो कर दो, टोटल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इसमें तो नया कुछ भी नहीं था। लेकिन ये एग्जांपल मैंने क्यों करवाया, सेकंड पॉइंट देखो, कहते हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपकी कैपेसिटी थी 30,000 लेबर आवर्स की, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 केवल और केवल 24,000 आवर्स ही आप यूज कर रहे हो। इसका मतलब 6,000 लेबर आवर्स की आपकी अनयूज्ड कैपेसिटी है। सिमिलरली 600 प्रोडक्शन रन थे बट आप यहां पे यूज तो 200 प्लस 180 प्लस 160 540 ही कर रहे हो, तो सर 60 प्रोडक्शन रन जो है वो अनयूज्ड है। सिमिलरली 8,000 इंस्पेक्शन है बट आप तो यहां पे यूज केवल और केवल 7,000 ही कर रहे हो, तो इसका मतलब 1,000 इंस्पेक्शन अनयूज्ड है। क्वेश्चन इसकी कॉस्ट जानना चाहता है, तो सर सिंपल सी बात है, पहले तो ये निकालो कि अनयूज्ड कितना है। 30,000 माइनस 24,000 6,000 घंटे, 600 माइनस 540 60 प्रोडक्शन रन, 8,000 माइनस 7,000 1,000 इंस्पेक्शन, ये आपके अनयूज्ड, ये आपकी अनयूज्ड कैपेसिटी है। इसकी कॉस्ट निकालनी है तो रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 10,330 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपकी अनयूज्ड जो कैपेसिटी है उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। टोटल करना चाहो कर दो, टोटल नहीं भी करोगे आई थिंक काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ईच एक्टिविटी की पूछी है, टोटल नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। दिस इज अ न्यू पॉइंट जिसकी वजह से मैंने ये एग्जांपल, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन में रखा। इसके अलावा लास्ट एक पॉइंट और भी ऐड किया गया इसके अंदर, ए पोटेंशियल कस्टमर हैज अप्रोच द कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। एक कस्टमर आया कंपनी के पास, बोला मुझे 12,000 यूनिट एक नए प्रोडक्ट की चाहिए। प्रोडक्ट का नाम है एस, पी क्यू आर के बाद एस, एस टू बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 1500 यूनिट्स पर क्वार्टर। कंपनी हर क्वार्टर में 1500 यूनिट देगी कस्टमर को। दिस विल इन्वॉल्व एन इनिशियल डिजाइन कॉस्ट ऑफ रुपी 30,000, इसके लिए 30,000 रुपए इनिशियली खर्चा लगेगा। एंड पर क्वार्टर प्रोडक्शन विल इन्वॉल्व द फॉलोइंग, और जब पर क्वार्टर प्रोडक्शन करोगे तो उसमें ये खर्चे हैं, मटेरियल का खर्चा 18,000 पर क्वार्टर, मतलब ये खर्चे 1500 यूनिट के हैं 18,000, लेबर आवर लग जाएंगे 1500 घंटे, प्रोडक्शन रन चाहिए 15 और क्वालिटी इंस्पेक्शन चाहिए 250। क्वेश्चन चाहता है कॉस्ट शीट बना दो, मतलब वही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना दो, प्रिपेयर कॉस्ट शीट सेग्रीगेटिंग डायरेक्ट खर्चे अलग और इनडायरेक्ट अलग। सर ठीक है, डायरेक्ट खर्चों में डायरेक्ट मटेरियल आएगा, बाकी इनडायरेक्ट लिख देंगे। एंड कंप्यूट द सेल वैल्यू पर क्वार्टर, एक क्वार्टर की सेल वैल्यू भी निकालनी हो प्रोडक्ट एक्स, यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना है, कंसीडरिंग ए मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। मार्कअप मतलब प्रॉफिट, कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट चाहिए। सर ठीक है, मटेरियल का खर्चा 18,000 रुपए एज इट इज कॉपी कर लो, लेबर की बात करें, लेबर की बात करें तो लेबर का यहां पे देख लो आप, 10 रुपए पर आवर का खर्चा था, हमने निकाला हुआ था 10 रुपए पर आवर का खर्चा था, 10 रुपए पर आवर का खर्चा था, और आप यहां पे बात कर रहे हो 1500 घंटे लगेंगे, आप यहां पे क्वेश्चन में कह रहे हो 1500 घंटे लगेंगे, ठीक है, तो 10 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए का खर्चा लेबर का बुक कर लो। इसके अलावा डिजाइनिंग कॉस्ट भी डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, तो सर डिजाइनिंग कॉस्ट क्वेश्चन ने कहा है, डिजाइनिंग कॉस्ट क्वेश्चन ने कहा है 30,000 रुपए, लेकिन ये 30,000 रुपए पर क्वार्टर नहीं है, ध्यान देना, ये तो केवल और केवल एक बार ही आएगी ना इनिशियली,
तो मतलब पूरी 12,000 यूनिट के लिए ये 30,000 है, तो 1500 के लिए कितना वो कैलकुलेट कर लो, 30,000 डिवाइड बाई 12,000 इनटू 1500, ये आपका आ जाएगा 3750। तीनों को ऐड करोगे प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, देन जो आपके ओवरहेड के खर्चे हैं, प्रोडक्शन रन, सर प्रोडक्शन रन यूज करने हैं हमें 15, एक प्रोडक्शन रन की कॉस्ट कितनी है 300, तो 15 × 300 = 4500 आपका प्रोडक्शन रन का खर्चा आ जाएगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन की बात करें तो क्वालिटी इंस्पेक्शन इसमें 250 यूज होंगे, एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट 30 है, तो 250 × 30 7500 का ये खर्चा आ जाएगा। बस सर इसका टोटल करोगे आपको आपका टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। साथ में क्वेश्चन ने कहा मुझे टोटल कॉस्ट का 20% प्रॉफिट चाहिए टोटल कॉस्ट का, तो सर जो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 58,000, टोटल कॉस्ट आ रही है 48,750, इसका 20% 9750 आपका प्रॉफिट है, तो दैट विल बी योर सेल वैल्यू। ये 58,500 सेल वैल्यू है 1500 यूनिट की, तो आप सेलिंग प्राइस 39 रखोगे। तो सर ये कुछ वैरायटीज है क्वेश्चन की, जहां पे आपसे केवल और केवल कॉस्ट ड्राइवर रेट क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन बनाना हो तो कॉस्ट ड्राइवर रेट के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूछ सकता है, अच्छी खासी वेटेज आपको मिल जाएगी 8-10 नंबर के आसपास की। इसके अलावा हो सकता है आपको क्वेश्चन में ट्रेडिशनल मेथड भी अप्लाई करवाया जाए और साथ में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सर 8-10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज दे, कॉस्ट ड्राइवर दे, बट ये ना बताए कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर, आपको छोटा और बड़ा दोनों तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट मैंने आपको अनयूज कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली प्लस साथ में एक नया अगर प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो उसमें एबीसी का यूज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ये जो टॉपिक है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, बट अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंस के साथ हैंडल किया जाए आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो, कुछ नहीं है केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है। लास्ट में फिर से मैं कहना चाहूंगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन सीरीज पूरी की पूरी आपके सिलेबस की हम ऑलमोस्ट लेकर आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपकी स्किप ना हो। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे पास, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हमें, व्हाट्सएप चैनल पे भी हमें फॉलो कीजिए, ताकि कोई भी कहीं पे भी हम नोटिफिकेशन डालते हैं, कोई भी अपडेशन डालते हैं, वो आप तक किसी न किसी तरीके से पहुंच जाए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि एजुकेशन का बेनिफिट आपको अकेले को नहीं लेना है, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो टेलीग्राम चैनल, जिन जिन टेलीग्राम चैनल पे आप हो उन सब पे आप कहीं ना कहीं इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, फेसबुक चैनल, फेसबुक पे आप हो वहां पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बेनिफिट इसका जरूर जरूर दीजिए। और लास्ट में अगेन आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मुझे रिवीजन पीडीएफ चाहिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, आपको रिवीजन पीडीएफ मिल जाएगा जो कि आपको सामने स्लाइड्स देखने को मिल रही है वो। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।